था, तो यहाँ थोड़ा मुझे ट्रैफिक लग गया हाईवे पे, सो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं यहाँ पे। फाइनल कट कटपुरा में कुछ होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा पैसा बच जाएगा। आपको कैफेटेरिया मिलेगा और यहाँ से काफ़ी सेलिब्रिटी स्पॉट होते हैं, काफ़ी मतलब सब सेलिब्रिटी स्पॉट ही होते हैं यहाँ पे। हे हाय, दिस इज भूषण गावड़ा, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 9:30 और हम जा रहे हैं CSIA जो कि मुंबई में है, और बस बहुत दिनों के बाद फाइनली मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, सो मैं उनको पिकअप करने जा रहा हूँ। अभी हुए हैं 9:30 और हमें लगभग उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली 2:30 को, और वो बाहर निकलेंगे 3:30 को, तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि रास्ते पे कोई ट्रैफिक भी नहीं होगी, तो एंजॉय करेंगे रोड ट्रिप को, बिकॉज कार लेके जा रहा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। सो सी यू सून। सेटअप करके मैं प्रॉपर ड्राइव नहीं कर सकता, तो यहाँ थोड़ा मुझे ट्रैफिक लग गया हाईवे पे, सो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये रोड शायद शॉर्ट है और बहुत छोटी, इसकी वजह से ट्रैफिक हुआ है, या आगे टोल प्लाजा है इसकी वजह से हुआ है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम कसारा के पास आ चुके और बस अभी तक एक पूरी मालूम नहीं अभी कहाँ है, रात को मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये देखो पुलिस है कहाँ पे, हाँ आई शपथ मेरे को पता नहीं हम कहाँ पे, वी आर एट कसारा और वेयर वी आर लिटरली वी डोंट नो। सो बात ये हुई थी कि पहले मुझे वो बुलाने वाले थे कतर में, तो मैंने सारी शॉपिंग वगैरह करके रखी, लेकिन कुछ उनका वीज़ा का इशू हुआ या कुछ परमानेंट वीज़ा प्रोसेस में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ पे फीफा चल रहा है, सो उसकी वजह से वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनका क्या एम्बेसी का प्रॉब्लम है वो उनको ही मालूम। तो मॉम डैड को मुझे पिकअप करना था कतर से, लेकिन अब मेरे भाई ने कहा कि तू रुक जा, तू सिर्फ हमें एयरपोर्ट पर लेने आ,
करके फिर वापस जाता हूँ। मैंने ये सोचा था कि हाँ चलो उनको लेने में जा रहा हूँ तो फिर लगे हाथ ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ। अच्छा ब्लॉग शूट होगा, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉग, मतलब यूट्यूब चैनल के मैंने सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉग शूट होगा। थोड़ा पेशेंस रखो यार, ऐसे नहीं चलता कभी भी। 3.44 तो मेरे दिमाग में क्या प्लान है, ये मैं ब्लॉग यूट्यूब पे डालने वाला हूँ तो थोड़ा ट्रैवल बाइट्स लूँगा, उसके बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो मैं थोड़ा शूट करने वाला हूँ। बस ये मोबाइल मेरा साथ दें क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत कम है, वैसे भी एयरपोर्ट पे बहुत लाइट्स होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अराइवल में बहुत लाइट्स है और डिपार्चर में बहुत कम है। सो देखते देखिए 4 मिनट 4:44 वो आई विल जस्ट पोस्ट 4 to 10 minute वीडियो ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट पुटिंग मोर। लुक एट अभी इसका मैंने बार तोड़ दिया होता, बातों में मैंने मुझे लगा सीरियसली। सो अब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, बाहर कुछ दिखने नहीं वाला आपको, मतलब ये टोल प्लाजा इसलिए लाइट से हाँ जा रहा हो बेटे। तो ये सीन है, अब देखो आगे पूरा अंधेरा होने वाला, आपको कुछ नहीं दिखने वाला तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा और म्यूजिक लगाऊंगा। सी थोड़ा हम होटल में रुके थे, थोड़ी नींद आ रही थी मुझे तो मैंने कहा थोड़ा चाय पी लेते। अभी हमने ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर और है 70 किलोमीटर, लेकिन यार टाइम बहुत कम है, मतलब इट्स ओनली 12:30 और वो आने वाले 4 o'clock में क्या करूँगा वहाँ जाके। तो मैंने सोचा होटल पर रुके तो थोड़ा ब्लॉग ही बना लेते। ये इस पर मैं बनाने वाला हूँ, छोटी मिनी व्लॉग बनाने वाला हूँ, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाला, काफ़ी क्लियर दिख रहा है और आगे मैंने एक छोटा माइक लगाया जिसकी वजह से ऑडियो क्लियर आए। वैसे भी इसका माइक चला गया तो अगर मैं शूट करता था इससे ऐसे तो वो ठीक से नहीं आता था, तो बहुत अच्छा है, व्हाट अ परफॉर्मेंस, कार बहुत अच्छी है और मज़ा भी बहुत आया चलाने के लिए 100-120 स्पीड से। ये रोड बहुत छोटे हैं इसकी वजह से हम इसको कॉन्स्टेंटली भगा नहीं सकते, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। सो आपको होटल देखना, मैं आपको होटल दिखा था, लुक एट माई बैक साइड, दिख रहा है शायद आप दिख जाएगा। उल्टा दिख रहा है तो पता नहीं, मुझे शायद उसे छोड़ने के लिए फिर से जाना पड़ेगा या वो कैब से, अगर उसने कहा तो फिर से मुझे उसको ड्रॉप करने जाना होगा एयरपोर्ट पे और किसी को आना होगा साथ में तो वो हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं, मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो 2 दिन में फिर से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही यहाँ पे जो पीछे ट्रक्स की पार्किंग है, ये मुझे जो ढाबा चाहिए था वो मिला नहीं एक्चुअली, क्योंकि 11:30 को हाईवे के ढाबे बंद हो जाते हैं, मुझे अभी पता चला। He is using walkie-talkie. Never forget to like, share और subscribe my channel. मैं try कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा content डालूँ। अभी तक तो मैंने कुछ खास explore नहीं किया, लेकिन अब मैं plan कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे place लेके अच्छे से अच्छा vlog बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने gimbal भी लिया था जो कि video stability आ जाए जब हम video shoot करते हैं, तो it's look
जस्ट हमने पवई क्रॉस किया है और टाइम हुआ है 4:30 और उनको आने में 1.5 घंटा है। सो आप सिर्फ अकेले ड्राइव कर रहे हो तो आप आपके हिसाब से ड्राइव करते हो, लेकिन अगर कार में कोई है पैसेंजर या फैमिली से है तो वो काफ़ी डर जाते हैं। तो मैंने मेरी कार मंगाई 110 120 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये इसको 10 साल हो चुके हैं इस कार को, और आप देख रहे हो आउटसाइड, मतलब अगर आप इस रोड पे सुबह आओगे आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा। मतलब मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ 80 और 90 की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मुंबई में हैं, सीधा अंदर जा रहे हैं दादर और एयरपोर्ट। अभी ये रोड सीधा मंत्रालय और बीटी तक जाता है। देख रहे हो कितने वाइडर रोड और कितने बड़े रोड है। यहाँ थोड़ा एक्सपोजर का इशू है, जो ये वीडियो देख पा जो मैं व्यू देख पा रहा हूँ ये फ़ोन नहीं देख पा रहा है क्योंकि एक्सपोजर की वजह से। तो अब मैं डाल दूंगा ये वीडियो यूट्यूब पे, तो यहाँ तो सिर्फ लाइट्स दिख रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट जब हम नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे डेफिनेटली आपको जैसे मैं देख रहा हूँ आपको से वैसा एज इट इज़ वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे। सो ये देखो नासिक में तो 9 बजे के बाद टू व्हीलर वाला नहीं दिखता, यहाँ रात के 2 बजे भी टू व्हीलर वाले घूमते। सो आई एम बैक अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई मीन आफ्टर 4 मंथ, क्योंकि मैं ड्रॉप करने उनको गया था। और काफ़ी अगर आप मुंबई में आते हो तो आप कभी मुंबई छोड़ोगे नहीं। सिटी की वाइब ही अलग है, इस सिटी की जो एनर्जी ना वो किसी और सिटी की एनर्जी से मैच नहीं करती। दिस इज टू डिफरेंट। हाँ एक बात है, यहाँ बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, देख रहे हो रास्ते पे कोई नहीं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं नासिक में ड्राइव कर रहा हूँ। इसलिए मैं रात को आ रहा था कि मुझे घर वाले बोल रहे थे कि सुबह आ, दोपहर को निकल, तो शाम से पहले घर पे रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि दिन में मुझे मालूम है बाहर इतनी हीट है। सो हम गलती से बात करते करते नीचे आ गए, एक्चुअली हमें नीचे नहीं आना था, हमें ऊपर जाना था। ठीक है जाने दो, आगे से हम अंदर से आगे से कट होगा तो अंदर ले लेंगे। सो ये हो गई 4 मिनट की वीडियो। अब मैं ये इस वीडियो को कट ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से और कंटिन्यू करूँगा जब एयरपोर्ट के पास जाएंगे तब, क्योंकि ये हम कट सेक्शन में वीडियोस डालेंगे और अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। अगर एक्सपोजर का इस हाँ देखो अब आपको लाइट्स आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा आपको रोड दिखेगा, मतलब इसके खुद के लाइट्स हैं, ऊपर से हमें इसके लिए इसको ज़्यादा लाइट्स चाहिए। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 1080 60 FPS में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत क्वालिटी अच्छी, लेंस अच्छी है, लेकिन एक्सपोजर जो होता है वो कम है, पुराना मॉडल है। आप शायद उस साइड का ब्रिज देख पा रहे हो, मालूम नहीं देख रहे हो या नहीं, लेकिन जो ब्रिज है वो ट्रेन का अंडर कंस्ट्रक्शन चालू है। अब मुंबई में फ़िलहाल एक ही मेट्रो लाइन है जो कि तीनों को कनेक्ट करती है, एक वेस्टर्न, एक सेंट्रल और एक सेंट्रल ने दोनों लाइन कनेक्ट करती है, वो तीनों को नहीं करती, एक वेस्टर्न और एक सेंट्रल दो लाइंस को कंट्रोल करती कनेक्ट कर।
कैपिटल वी कैन सी। ये एंड होता है, मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगा यहाँ, टेकिंग सेल्फी। सो वी आर गोइंग आउट अगेन। और क्या होता था, मैंने यहाँ बहुत गाड़ी भगाई थी, इसकी वजह से फ्लोर लेके रखा है, कितनी भी तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। और जिनके पिकअप के लिए उनको खुद बाय बस जाना है तो उनको बाहर आना पड़ता है। यहाँ पे हम चलाए Okay.